हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शाहरुख खान और लोकेश कनगराज के तरफ से आ रही एक और फिल्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए आते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपनी अगली फिल्म थलाइवर 171 के लिए शाहरुख खान को एक कैमियो रोल के लिए अप्रोच किया है। जो रोल लोकेश कनगराज ने SRK को ऑफर किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन शाहरुख खान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने थलाइवर 171 फिल्म के अंदर काम करने से मना कर दिया है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने जो रोल शाहरुख खान को ऑफर किया है वो रोल उन्हें पसंद आ चुका है, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया है। और यह ऑफर ठुकराने का वजह बताया जा रहा है कि शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान की पहली फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने टाइगर 3 और ब्रह्मास्त्र में कैमियो रोल किया है, इसलिए उन्होंने अब यह डिसीजन लिया है कि वो अब कैमियो रोल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन SRK ने लोकेश कनगराज के साथ एक अलग प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, मतलब आगे चलकर लोकेश कनगराज शाहरुख खान के साथ एक अलग फिल्म में काम करना चाहेंगे, तो शाहरुख खान इस फिल्म के लिए तैयार हैं। वैसे मेरे पास एक अपडेट आई है कि शाहरुख खान और लोकेश कनगराज एक फिल्म में एक साथ काम कर सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट पर शाहरुख खान ने हामी भर दी तो आगे चलकर लोकेश कनगराज और शाहरुख खान का कॉम्बिनेशन हम सबको देखने को मिल सकती है। अपडेट के अनुसार कहा जा रहा है कि SRK और लोकेश कनगराज का ये प्रोजेक्ट कन्फर्म ही हो गया है लगभग, और इस फिल्म के अनाउंसमेंट हम सबको शायद तक 2025 में देखने को मिल सकती है। मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो कोई रिकॉर्ड बचने नहीं वाला है। दोस्तों, आप लोग कितने एक्साइटेड हो शाहरुख खान और लोकेश कनगराज के इस कॉम्बिनेशन को देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे लोकेश कनगराज थलाइवर 171 के लिए SRK को जो रोल ऑफर किए थे वो रोल शाहरुख खान ने ठुकरा दिया है, तो अब कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह अब उस कैमियो रोल को प्ले करेंगे। थलाइवर 171 में रणवीर सिंह ने कैमियो रोल प्ले करने के लिए हामी भर दिया है। लोकेश कनगराज ने रणवीर सिंह को स्टोरी नरे ली है और रणवीर सिंह को वो स्टोरी पसंद आ चुकी है, और रणवीर सिंह हाँ बोल दिए हैं थलाइवर 171 में काम करने के लिए। और अब मुझे लग रहा है कि थलाइवर 171 सच में एक मल्टी स्टार फिल्म बनने जा रही है, जैसे लियो एक मल्टी स्टार फिल्म थी वैसे ही। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। आगे चलकर थलाइवर 171 या लोकेश कनगराज और SRK वाली फिल्म से कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप सबको इसी चैनल में बता दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।